नमस्कार, मैं हूँ दिवांशली मोइत्रा। अटल बिहारी वाजपेयी अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनकी छवि और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से अभी भी लोगों के जहन में हैं। हाल ही में यूपी के गवर्नर राम नाईक ने एक शानदार किस्सा शेयर किया। कहानी ये है कि अटल जी ने विजय माल्या को खाली हाथ लौटा दिया था। विजय माल्या अभी लंदन में है और उन्हें भारत लाने की कोशिशें चल रही है, लेकिन ये कहानी है 1999 की, जब अटल जी की सरकार में राम नाईक पेट्रोलियम मंत्री थे। नाईक ने गन्ने के बाय प्रोडक्ट से एथेनॉल बना पेट्रोल में मिलाने का प्रस्ताव आगे बढ़ाया। लेकर लॉबी ने इसका जोरदार विरोध किया। उस वक्त विरोध की अगुवाई कर रहे थे विजय माल्या, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के आगे माल्या की एक बात नहीं चली। हुआ ये था कि लिकर लॉबी विजय माल्या की अगुवाई में इसका विरोध करने राम नाईक के पास पहुंचा। उन्होंने साफ मना कर दिया तो विजय माल्या अटल बिहारी वाजपेयी के पास चले गए। अटल जी ने माल्या से पूछा कि आप पेट्रोलियम मंत्री से मिल लिए, तो माल्या ने कहा कि हाँ, मैं तो मिल आया, लेकिन वो पॉलिसी लेने को तैयार नहीं है। अटल बिहारी वाजपेयी ने माल्या से कहा कि मैं मंत्री के निर्णय का स्वागत करता हूँ, उसके खिलाफ मैं भी नहीं जा सकता। इसी के साथ वाजपेयी जी ने 5% एथेनॉल पेट्रोल में मिलाने को मंजूरी दी और माल्या को खाली हाथ लौटना पड़ गया था।